हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रसोई की दुनिया। आज हम बनाएंगे करेले के फ्राइटर्स। ये करेले हैं, इनके हम फ्राइटर्स बनाएंगे। इन्हें हम पहले काट के बॉयल करके धूप में सुखा लेंगे। अब हम इनको काटना शुरू करते हैं। इनके आगे और पीछे के पोर्शन निकाल देंगे और हम इन्हें बहुत पतला नहीं, थोड़ा मोटा, थोड़ी मोटी मोटी स्लाइस काटनी है। पानी उबल रहा है, इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ा इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे। करेले हमने काटे थे वो इसमें डाल देंगे। थोड़ी देरी से बॉयल होने देंगे, थोड़ा ये आधा पक जाए, आधा से थोड़ा सा ज्यादा ये पक जाए। ये देखिए, करेले हमारे पक चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल के धूप में सुखा लेंगे, इनका पानी निकाल लेंगे। ये देखिए, इनके पानी निकल चुके हैं। अब हम इसे किसी कपड़े पे फैला के धूप में सुखा लेंगे। कल हमने जो करेले काट के उबाले थे, ये वो चार करेले हैं। ये सूख के इतना हुआ है, धूप हमारे यहाँ रेगुलर हो नहीं रही है, इसलिए अभी ये थोड़ा और सूखता है। आवाज़ आप सुन सकते हैं इसकी, अभी ये थोड़ा और सूखता है धूप में तो और अच्छा इसकी आवाज़ आती है। ये मैंने सरसों का तेल लिया है, आप रिफाइंड ले लें, कुछ भी ले लें, उसे गरम कर लें और ये करेले की चिप्स हम इसमें छानेंगे। अभी ये गरम नहीं हुआ है, तेल हमारे गरम हो गए हैं। अब हम करेले की चिप्स इसमें डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद फ्लेम स्लो रखेंगे। आप चाहें तो करेलों को छील के इसका चिप्स बना सकते हैं। मैंने बिना छीले बनाया है। अगर आपको कड़वी लगे तो आप इसको करेले को पहले छील लें, फिर इसके पतली पतली स्लाइस काटें। स्लाइस बहुत पतली नहीं काटनी है। ये देखिए, जिन्हें करेले अच्छे नहीं लगते, खाने में कड़वे लगते हैं, वो इस तरह से खा सकते हैं दाल चावल के साथ। अभी ये बची हुई ये डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट हमने पहले भी उबलते समय भी डाली है, थोड़ा सॉल्ट डालेंगे। थोड़ा आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, हमारे चार करेलों के चिप्स इतने तैयार हुए हैं। इस तरह आप बाकी चिप्स भी तैयार कर सकते हैं। ये खाने में दाल चावल के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर लें और शेयर भी करें। Thank you for watching.